बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इलेक्शन बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान में कितने वज़राए आज़म आए हैं उन सब की तफसीलात से आगाह करेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप दोस्तों को हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आसानी के साथ मिल सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद लियाकत अली ख़ान के बारे में बताते हैं। लियाकत अली ख़ान का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने 14 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 4 साल 2 माह और 2 दिनों पर मुहित थी। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की जो मुद्दत थी वो तकरीबन 2 सालों पर मुहित थी। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 17 अप्रैल 1953 से लेकर 12 अगस्त 1955 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। मोहम्मद अली बोगरा का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ था और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल 2 महीने और 26 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने 12 अगस्त 1955 से लेकर 12 सितंबर 1956 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल और 1 महीने पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के पाँचवें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 12 सितंबर 1956 से लेकर 17 अक्टूबर 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी का ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग के साथ था और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 1 महीने और 5 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म इब्राहिम इस्माइल चौधरी गर के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 17 अक्टूबर 1957 से लेकर 16 दिसंबर 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने तकरीबन 1 माह और 29 दिनों तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के सातवें वज़ीर आज़म फिरोज़ ख़ानून के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 16 दिसंबर 1957 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। फिरोज़ ख़ानून का ताल्लुक पाकिस्तान में रिपब्लिकन पार्टी के साथ था और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 9 महीने और 21 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के आठवें वज़ीर आज़म नूरुल अमीन के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 7 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। नूरुल अमीन का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ था और वो सिर्फ 13 दिनों तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के नौवें वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बताते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल 10 महीने और 21 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के दसवें वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने 24 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल 2 महीने और 5 दिनों पर मुहित थी।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान की 11वीं वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 2 दिसंबर 1988 से लेकर 6 अगस्त 1990 तक वजीर आजम के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 8 महीने और 4 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 12वें वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के साथ था और उन्होंने 6 नवंबर 1990 से लेकर 18 अप्रैल 1993 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल 5 महीने और 12 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान की 13वीं वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 19 अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल और 17 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 14वें वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ था और उन्होंने 17 फरवरी 1997 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल 7 महीने और 23 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के साथ था और उन्होंने 21 नवंबर 2002 से लेकर 26 जून 2004 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 7 महीने और 5 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 16वें वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग कायद आज़म के साथ था और उन्होंने 30 जून 2004 से लेकर 20 अगस्त 2004 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और वो तकरीबन 1 महीने और 21 दिनों तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 17वें वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के साथ था और उन्होंने 20 अगस्त 2004 से लेकर 16 नवंबर 2007 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल 2 महीने और 27 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 25 मार्च 2008 से लेकर 19 जून 2012 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 4 साल 2 महीने और 25 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 19वें वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 22 जून 2012 से लेकर 25 मार्च 2013 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की जो मुद्दत थी वो तकरीबन 9 महीने और 3 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 20वें वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ था और उन्होंने 5 जून 2013 से लेकर 28 जुलाई 2017 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत 4 साल 1 महीने और 23 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ था और उन्होंने 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 मई 2018 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वजारत उज़्मा की मुद्दत तकरीबन 10 महीनों पर मुहित थी।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 22वें और मौजूदा वजीर आजम इमरान खान के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है और उन्होंने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर अपना हलफ उठाया और वो इस वक्त तक पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों हम ख्याल लोगों के साथ अपने ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़ो नासिर।